छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान अब तक 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं करीब 1 दर्जन जवान जख्मी हैं। इस मुठभेड़ में 12 से 15 नक्सलियों के घेर होने और 20 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। यह इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। दरअसल शनिवार को बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में ये ऑपरेशन चलाया था। CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर थी कि नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर हिडिमा इस हमले से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रभुवती गांव में है, जिसके बाद CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षा बलों पर यह हमला नक्सलियों के संगठन पीपल लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लेटून 1 की यूनिट ने किया है, जिसका नेतृत्व हिडम ही करता है। सुरक्षा बलों को भी इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है और नक्सल कैडर के कई नक्सली मारे गए हैं, लेकिन जैसे ही अंदर सुरक्षा बल जा रहे थे नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने 3 तरीके से सुरक्षा बलों पर हमला किया। पहले बुलेट से, दूसरा नुकेले हथियारों से, तीसरा देसी रॉकेट लॉन्चर से। करीब 200 से 300 नक्सलियों का समूह सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर टूट पड़ा था। नक्सलियों के इस अंतिम गढ़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। न्यूज़ डेस्क।